काठ की ओट से काठ बचे नहीं, लकड़ी की ओट ले ले दूसरी लकड़ी तो वो बच नहीं जाएगी जलने से। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो को जारे। आग लगेगी तो दोनों जल जाएगी, लकड़ी की ओट लेकर दूसरी लकड़ी क्या खाक बचेगी। आन की ओट से जीव बचे नहीं, स्याल की कोट से स्याल बचे नहीं। स्याल की ओट से एक सियार दूसरे सियार की ओट ले ले और सोचे कि मैं शेर से बच जाऊं, पर सिंह पड़े तो दो को मारे, शेर आ जाए तो दोनों को मार देता है। ऐसे ही काल, अनपढ़ हो के पढ़ा लिखा हो, काल तो सबको अपना ग्रास बना लेता है। धनभागी वो है कि काल इस शरीर को ग्रास बनाए, उसके पहले भगवान महाकाल की भक्ति करके अपना कल्याण कर ले। भगवान महाकाल कौन, के जो शिव है वो गुरु है, जो गुरु है वो शिव है, उनकी आराधना करता हुआ अपना कल्याण कर ले। साधक मजबूत हो, साधक ऐसा चाहिए। नाम की एक MP3 है बापू जी के सत्संग की, उसमें पुराने सत्संग बापूजी के पहले जो हुए हैं साधकों के लिए है। वो साधक ऐसा चाहिए नाम की MP3 और दूसरी सत शिष्य के लिए, ये दो MP3 के नाम हैं जो ले जाना चाहते हैं और साधकों के लिए बड़े काम की बातें उसमें बापूजी ने बताई हैं। वो सुनना चाहे वो बाद में कैसेट विभाग वालों का संपर्क करके उनसे ले सकते हैं। साधक ऐसा चाहिए और सत शिष्य के लिए, सत शिष्य के लिए क्या जरूरी है। सत शिष्य के लिए जरूरी यही है अंतर्मुख हो जाए, क्योंकि कल जो उम्र थी वो आज नहीं है और आज जो उम्र थी सुबह वो अभी नहीं है। मौत का समय 24 घंटे निकट आ गया। बापूजी का सत्संग हम इस प्रकार सुने जैसे बाला मर्दाना गुरु नानक देव की वाणी सुनते थे, जैसे मीरा गुरु रैदास जी की वाणी सुनती थी, जैसे सलूका मलूका कबीर जी को सुनते थे, जैसे शबरी गुरु मतंग ऋषि की वाणी सुनती थी, जैसे भगवान राम अपने गुरु वशिष्ठ जी की वाणी सुनते थे, जैसे श्री कृष्ण सांदीपनी ऋषि के सानिध्य में बैठकर विद्या पढ़ते सुनते थे, जैसे हनुमान जी सूर्यनारायण के पास वेदों की विद्या पाते थे, उसी प्रकार हम भी इन दिनों अपने गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर खूब आदर से और अहोभाव से सुने। श्रवण मात्र से आत्म साक्षात्कार हो सकता है, समाधि लगाने की जरूरत ही नहीं है। आंखें बंद करके समाधि लगाने की जरूरत नहीं। परीक्षित राजा ने कहां समाधि लगाई? परीक्षित राजा साक्षी है कि 7 दिन तक ज्ञानी सुखदेव जी के मुख से सुना और ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। परीक्षित साक्षी यत श्रवण गत युक्त मुक्ति कथन है। गुरु के उपदेश को सुनने से ही मुक्ति हो गई, क्योंकि गुरुदेव जब बोलते हैं हमारी भलाई का संकल्प करके बोलते हैं, उनके दिल में हमारे लिए भलाई की भावना है, हित की कामना है। तो ऐसे हम लोग सुनेंगे। भक्तों की श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। पंडाल जितना बड़ा बनाया था कल शाम को रात को और बड़ा किया, वो भी छोटा पड़ गया। पंडाल से बाहर सत्संगी बैठे हैं और भगवान ने भी कृपा करके रखी है कि ऊपर बादल हैं, धूप नहीं है। भगवान ने अपनी तरफ से टेंट बढ़ा दिया है। देखो पंडाल बढ़ा दिया ईश्वर ने अपनी तरफ से। फिर भी अगर बीच बीच में धूप आ भी जाए तो सिर पे कपड़ा ढके रखना, धूप में खुले सिर ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण
हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम 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 कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो साधक का भक्त का समर्पण पक्का होता है ना, और जिसने अपनी कमांड किसी को सौंपी है उसके जीवन में कोई डिमांड नहीं रहती, कोई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। जैसे एयरपोर्ट पर देखा होगा जो जाते होंगे जहाजों में, एयरपोर्ट पर क्या तो एक्सेलेटर वो सीढ़ी होती है, चल सीढ़ी एक्सेलेटर, उस पर खाली आप खड़े हो जाओ, सामान भी रख दो अपनी बैग, अपने आप वो ऊपर पहुंचा देती है, चलने की जरूरत ही नहीं। ऐसे ही समर्पण पक्का हो जाए ना, बस फिर कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, फिर साधना करनी नहीं पड़ती, गुरु की कृपा साधना हमसे करवाती है, साधनमय जीवन हो जाता है उस साधक का। मीरा का, शबरी का, इन सच्चे भक्तों और संतों का समर्पण था तो कैसा साधनमय उनका जीवन था। उनके जीवन में असाधन नहीं था। असाधन माना इच्छा पूर्ति से होने वाले सुख की लालच उनके जीवन में नहीं थी। और समर्पण क्रिया नहीं है, समर्पण एक समझ है। हम लोगों की तपस्या
सफल होने जा रही है पूज्य बापू जी के पावन दर्शन और आशीर्वचन सुनने का अवसर अब हमको मिलेगा। गुरुदेव पधार रहे हैं।